दोस्तों, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार 5 तारीख, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि आज मैं और रितिका जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन है सुबह 6 बजे से, तो दर्शन के लिए निकल रहे हैं। पूरी जो भी हमारी जर्नी होती है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, कहाँ हम रुकेंगे, कैसा क्या खाना पीने का क्या हिसाब किताब है पूरा वहाँ पे, आइटनरी A to Z मैं आपको बताता चलूँगा, ताकि अगर आप अपना फ्यूचर प्लान बनाएं आने जाने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। वैसे तो हम सभी को आइडिया है, कोई ना कोई आता जाता रहता ही है वैष्णो देवी हमारे हमारे बीच में से या हमारे परिवार में से, बट फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। चलो जी, चलते हैं स्टेज। बस बोरियत हो रही है ट्रेन में। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल हमने आपको ये बताया था कि हम वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि ट्रेन जो है हमारी वो 4 घंटे डिले हो गई है। 4.5 घंटे? 4.5 घंटे, मतलब पठानकोट हमें पहुंचना था सुबह 6 बजे, और हम तकरीबन 10-10:15 बजे पठानकोट पहुंचे थे। तो आगे का प्लान ये है कि आज तो हम चढ़ाई शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी थकान हो गई है। 2 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जाके चेक इन करना। चेक इन करने के बाद फिर थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने का आज हमने सोचा है। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल एनालिसिस देना चाहता हूँ कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो आप कहाँ एक अच्छी जगह रुक सकते हैं, कॉम्पैक्ट बजट में एक अच्छा होटल, कहाँ आपके लिए खाना सही रहेगा, किस किस जगह पे घूमना, कहाँ घूम सकते हैं आप लोग, शॉपिंग भी कहाँ करनी है, हम ये भी बताएंगे। शॉपिंग, और अगर आप ऊपर जाते हैं आप दर्शनों के लिए तो क्या क्या आप जो है तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे घोड़े हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम अपनी जर्नी पूरी करते हैं और आगे का आपको बताएं। सर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, आपने ये स्वेटशर्ट क्यों पहनी है, थोड़ा विस्तार में बताएं। स्वेटशर्ट मैंने इसलिए पहन रखी है कि कल जब हम जबलपुर से निकले थे तो जो एसी का टेम्परेचर था वो बहुत कम था, और ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे इवन अपना मफलर तक निकालना पड़ा था, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि मुझे सर्दी हो गई है। थोड़ा थोड़ा आपको फीवर भी था, हल्का सा फीवर था उठाया था, बट लकीली हमें पठानकोट में हमारे गोविंद भैया मिल गए, तो उन्होंने हमें दवाई ला के दी, थैंक यू भैया, और बढ़िया पराठे सब्जियां भी हमको दी, तो काफी सहारा हो गया। गिफ्ट्स भी दिए ना हमें खूब सारे, गिफ्ट्स भी बहुत मिले हैं। और हाँ, इसकी डिटेल आपको रितिका ही बताएगी। और हमें बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स भी दिए हैं,
मेरे लिए भी दिया है, मॉन्टी के लिए भी दिया है, मम्मी पापा के लिए भी दिया है, शैली ईशा के लिए भी दिया, बहुत सारे गिफ्ट मिले हमको। Okay. और खाना भी इतना टेस्टी था कि हमने पूरे पराठे खा लिए, पनीर की सब्जी भी पूरी खा ली है। और मॉन्टी बोल रहे हैं कि मुझे अचार सीखने जाना है आंटी जी के पास। आंटी जी के पास, भाभी के पास? भाभी के पास भी और आंटी जी के पास भी। अच्छा अच्छा अच्छा, आंटी जी, हाँ ठीक बनाया। भाभी ने बनाया, आंटी जी ने बनाया, किसने बनाया? किसने बनाया नहीं पता, जाएंगे तो दोनों से मिलकर सीख ही लेंगे ना कुछ ना कुछ। हाँ ये भी है, किसी ने तो कुछ बनाया ही होगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो अभी फटाक से हम लोग वैष्णो देवी पहुंचते हैं, फटाक से समय जब ट्रेन पहुंचाएगी तब पहुंचेंगे। बट हाँ, जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, बीच बीच में अगर मुझे लगेगा कि कुछ रूट आपको ऐसा दिखाना है कैप्चर करके, क्योंकि मैंने सुना जम्मू से जो कटरा का रूट है वो काफी सुंदर दृश्य है वहाँ पे देखने के लिए, वो मैं आपको दिखाता चलूंगा। और फिर आगे की जो भी प्लानिंग है वो आपसे कटरा पहुंच के करते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कटरा के मेन मार्केट, सामने त्रिकुटा पर्वत है, माता जी का स्थान, और ये जो एरिया है वो मेन बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड का एरिया कहलाता है। यहाँ से जो रोड जा रही है वो जम्मू रोड है, और जो सामने एक रोड लेफ्ट में जा रही है वो मेन मार्केट है। एक रास्ता यहाँ से भी होकर के जाता है। ये क्या है भैया? ये केसर दूध है। केसर दूध? वैसे काफी लोग ये केसर दूध ट्राई कर रहे थे लेकिन हमने नहीं किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वैसे सामने जो आप देख रहे हैं वो कटरा का जो मेन मार्केट है वहाँ हम घूमने के लिए आए हुए हैं। ये जो रास्ता है सांझी छठ हेलीपैड के लिए जो आपको हेलीकॉप्टर मिलता है वो यहीं आगे जा कर के मिलता है, उसी रास्ते पे हम हैं। इस रास्ते पे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, और कुछ फुल्की वाले आपको मिल जाएंगे जिसको हम लोग टिक्की भी कहते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की यहाँ पर मिलती हैं। बस स्टैंड अगर आप कभी जाएँ तो वहाँ पर एक टिक्की वाले भैया खड़े रहते हैं, ऑसम टिक्की बना के देते हैं, फुल्की कहते हैं जिसे हम। एंड इसके साथ साथ ये वैष्णो ढाबा है, और इस रास्ते में कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको बताया रश थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि रोड यहाँ पे चौड़ी है। एक मार्केट और है जो कपड़ा मार्केट है मेनली, वहाँ पे रश आपको ज़्यादा मिलता है। वहाँ भी चलेंगे और आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो
गाइस जिस जगह पे अभी हम आकर के खड़े हैं ये चौपाटी जैसा मुझे लग रहा है, यहाँ पे काफी दुकानें हैं फास्ट फूड की, तो मैगी खानी हो किसी को, चाट फुल्की खानी हो, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, डोसे की भी शॉप्स हैं एंड इसके साथ यहाँ कुछ टूर एंड ट्रेवल्स की भी शॉप्स हमें देखने को मिली। हमने यहाँ जम्मू के लिए टैक्सी का रेट भी पता किया था जो कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इसलिए हमने ट्रेन कर ली थी जम्मू तक जाने की। तो अगर आप अपना टूर पैकेज लेना चाहें तो पहले चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल पैकेज है या नहीं, नहीं तो आप अपने सुविधा के अनुसार आना जाना करिए। जी अभी हम लोग आए हुए हैं कटरा के मार्केट में, मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, कटरा के चौपाटी में। हाँ यहाँ पे हमने चौपाटी भी देखी है और काफ़ी दुकान हमने देखी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और शॉल वगैरह कपड़े के आइटम हो गए, वुड के आइटम्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और फिलहाल हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या, पानीपुरी की शॉप ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ चल के पहले पानीपुरी खाते हैं और उसके बाद फिर होटल चलेंगे। हमने पिज़्ज़ा लेकर के रखा हुआ है, पिज़्ज़ा खाएंगे एंड उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि कल का प्लान है हमारा ऊपर पहुँच जाके दर्शन करने का। तो चलिए चलते हैं। प्रसाद की दुकानें भी यहाँ पे बहुत मिल जाएंगी, हम एक दो दुकान हमने विजिट की जहाँ से हमने सोचा कि पहले प्रसाद ले लें, बट फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं पहले हम भवन दर्शन करके आएंगे उसके बाद ही प्रसाद लेंगे। तो काफ़ी तरह तरह के प्रसाद के पैकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जैसी भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप प्रसाद जो है ले सकते हैं। और ये एक दुकान नहीं है, ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी।